तो सत श्री अकाल सारिआं नूं, किवें हो सारे जाने। वेलकम टू माई चैनल। आई होप तुसीं सारे जाने बहुत वधिया होंगे। सो अज मैं तुहाडे वास्ते लैके आई हाँ क्यू एन ए वीडियो। मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी पाई सीगी कि जे तुसीं कोई भी स्पाइसी क्वेश्चन परसनल लाइफ बारे, प्रोफेशनल लाइफ बारे या कुछ भी तुसीं मैनूं पुछना चाहुंदे हो तां तुसीं पुछ सकदे हो। तां काफ़ी सारे क्वेश्चनस मैनूं तुसीं सारे ने पुछे। सो हुण इस वीडियो 'च मैं कुछ क्वेश्चनस दे आंसर दूंगी। सो आई होप तुहानूं ये वीडियो वधिया लगेगी। अगर तुहानूं वधिया लगती है तां लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ, कमेंट कर दिओ। एंड यस, चैनल नूं सबसक्राइब करना नहीं भुलना। जिन्ने भी क्वेश्चन तुसीं मैनूं पुछे सीगे वो क्वेश्चन मैं नोटबुक 'च नोट कर लेने। अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन पिक करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। स्टार्ट करते हैं अभी वीडियो। सो सब तो पहला क्वेश्चन हैगा ये कि थोनू मोटिवेट की करता है, कि इदा की चीज़ है जो थोनू मोटिवेट करती है। सो मैनू मोटिवेट करते हैं मेरे पेरेंट्स, मम्मा पापा। बिकॉज जो भी मैं नैगेटिव होंगी हाँ लाइफ 'च, बहुत सारी सिचुएशन इदा दया जो आप गिव अप कर दें, सोचते हैं भी नहीं ये सही नहीं है। मैं इदा लगता कि मैं उन्होंने वाल देख के उन्होंने जिदा वो मैनू ट्रीट करते, जिदा वो मैनू समझते, केयर करते, भी पुछते है ना, तो उतों ही मैनू मोटिवेशन मिल जाती है। जो मैं देखती हाँ कि वह मेरी किसी हुई किसी चीज़ लिए बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं तो मैं बहुत खुशी होंगी है, और मैं कितना कि उतों पॉजिटिव हो जाती हाँ। तो मेरे पेरेंट्स ही मैनू बहुत मोटिवेट करते हैं बहुत ज़्यादा। सो नैक्सट क्वेश्चन इज़ कि इदा की बुरी आदत आ जो मैं रोज़ करती हाँ। राइट, तो रोज़ मैं ये सोचती हाँ भी मैं हेल्दी चीज़ा खानी है, भी मतलब मैं थोड़ा अपने आप को फिट करना है। यू नो मैं, मेरा फेस भी बड़ा चबी चबी आ। सो मैं तो सोचती हाँ कि हाँ थोड़ा लाइक थोड़ा जहा, ज़्यादा भी नहीं बट थोड़ा मैं हेल्दी खावगी। फ्रूट्स मैं पसंद आ, फ्रूट खाने बहुत वधिया लगते हैं। ठीक है, मैं खाऊँगी, हेल्दी खा लूँगी, लेकिन कितने ना कि मैं कुछ ना कुछ अनहेल्दी जो साढ़े लिए चंगा नहीं हुंदा, फैट एंड ऑल है ना, तो मैं वो खा लेनी हाँ। तो वो मैं डेली सोचती हाँ भी मैं नहीं खाऊँगी बट मैं खा लेनी हाँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ योर क्लोजेस्ट पर्सन इन योर लाइफ। मेरे क्लोज मैनू लगता मेरी पूरी फैमिली आ। किमें अपनी लाइफ से हमेशा बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आदि ने, कोई गल होंगी है इदा दी भी आप मम्मा ना कर सकते हैं, पापा ना नहीं कर सकते, कोई गल होंगी भी पापा ना कर सकते हैं, मम्मा ना नहीं करनी, क्योंकि मम्मी कितने ना कि कई बार इदा हों भी गुस्सा कर जाते हैं या फिर पापा समझ सकते किसी सिचुएशन से, सानू पूरी फैमिली ही क्लोज आ। सो या यही है मेरा आंसर। और नैक्सट क्वेश्चन ये आई मैरिज किस एज में करवाओगे। सो मैंने ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा आ, मतलब इन्ना क ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि मैरिज प्लान की आ, किन्ने साल दे हो तुसी, कदों विआह कराना आ, मतलब इन्ने के अलग अलग तरीके ना तुसी ये क्वेश्चन किया है मैनू कि मैरिज मैं किस एज करावांगी। मेरा हले कोई भी प्लान नहीं है कि मैं विआह कराना आ, ते हले नहीं आ, और कुछ नहीं पता कदों होना कदों नहीं, बट हुणे तां मेरे हिसाब नाल मैं 3-4 साल तो मैं नहीं कराना सोचूंगी। बाकी डिपेंड करता है सिचुएशन ते, अगे लाइफ च की होना है किसी नूं नहीं पता। सो बट मेरा हले कोई प्लान नहीं है मैरिज का, और कोई इदा की एज फिक्स नहीं की हुई है कि हाँ मैं इस साल च विआह कराऊंगी। सो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, की सिचुएशन आती है लाइफ च अगे। सो पता नहीं, कुछ देखो मैं भी नहीं पता तो मैं तुहानूं की दसा। सो नैक्सट क्वेश्चन इज़ इदा का ही कुछ सिमिलर क्वेश्चन आ, यह भी क्वेश्चन मैंने बहुत बारी पूछा है, तो आप नैक्सट वही पिक कर लें। थानू विआह लई मुंडा कितना का चाहिए। सो नाइस क्वेश्चन। सो मैनू विआह लई मुंडा चाहिए, पहली गल तो हले नहीं चाहिए पहली गल तो हले नहीं चाहिए, बट जिदे ना लाइक विआह सारे का होना हों होगा ही, तो विआह लई मुंडा अंडरस्टैंडिंग ऑबवियस है कि किसी भी रिलेशनशिप च तुसी अगर उन्नू वधिया तरीके नाल निभाउणा आ तां अंडरस्टैंडिंग होनी चाहीदी आ, एंड सपोर्ट करे। एंड सब तो मेन गल लाइक एक मैनू लगती आ वह ये आ कि मतलब वो सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी भी मैनू ही चाहिए आ, बट मैनू इदा लगता कि लाइक अगर तुसी विआह करा रहे हो तो कुड़ी नू मुंडे दी फैमिली नू प्रॉपर तरीके ने एक्सैप्ट कर लेना चाहिए। लाइक जिमें कुड़ी विआह के जा रही है तो वह एवें ना करे भी लाइक नोहा वगू ना रवे, कुड़िया वगू रवे, मुंडे नू कुड़ी की फैमिली नू लाइक एज अ मुंडा, मतलब एज अ मुंडा नहीं, मुंडे नू कुड़ी की फैमिली नू
ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਨਾ ਬਣੇ ਪੁੱਤ ਬਣੇ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਔਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਬਲਕਿ ਦਿਲੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਇਕੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਲਾਈਕ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰਹੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਮਾਤਾ ਆਮ ਸੋਰੀ ਸੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੈਨਸਲ ਬਹੁਤ ਘੁਮਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੋਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਬਣਨਾ ਆ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਏਅਰ ਹੋਸਟਲਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਰਕ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਕ ਹੈਂਡਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਟੈਟੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਦਿਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰਾਊਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋਬਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਲਿਆ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰ ਪਾਊਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹਿਡਨ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਮੇਨ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਦੈਟਸ ਇਟ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਈ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕੁਛ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਸੈਟਅਪ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੈਟਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਰੋਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਸ ਉਹ ਲਾਈਕ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ
बस इतना, वो भी एक दो वाली, दैट्स इट। होर कुछ नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मैनू कभी नहीं रोकिया हैगा, तो मैंने कोई कन्विंस करने की लोड़ नहीं पई, बहुत सपोर्टिव ने, एंड थैंक यू सो मच मेरे घर दियो कि तुम मैंने सपोर्ट कर दो, मैं तुम्हें कन्विंस करने की लोड़ नहीं पई, आई एम वेरी थैंकफुल। एंड अगर अगर किसी की फैमिली एवें करती है, सो आई थिंक सारे पेरेंट्स नू समझना चाहिए आ कि थोड़ा अगर बच्चा सही आ तो तुहानू टेंशन लैन की लोड़ नहीं आ, ठीक है। बाकी जे कोई फैमिली नहीं समझती आ, सो आई कॉन्ट से एनीथिंग अबाउट दैम। एंड नैक्सट क्वेश्चन इज कि तुसी अपनी जिंदगी चो की सीखा हूँ तक। सो मैं अपनी जिंदगी चो की सीखा हूँ तक, वो बहुत डूंगी गल आ लिंग कि मैनू इदा लगता है कि जो भी मैं अपने लागे छके देखा या फिर जो भी मैं ऑब्जर्व किया सुनिया या समझिया, वो मैं हूँ तक सिर्फ एको गल पता लगी आ कि तुसी अपनी लाइफ च कुछ भी करना चाहते हो, तुसी उदों तक उस चीज़ च नहीं तो तुसी किसी भी चीज़ च सक्सेसफुल नहीं हो सकते जो तक तुसी रब ते बिलीव नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते और रब ना नहीं जोड़ते। पहली चीज़ रब ते ट्रस्ट नहीं रखते और अपने पेरेंट्स की रिस्पैक्ट नहीं करते। सो मैं अपनी लाइफ से यही चीज़ सीखी और सीरियसली कह रही हूँ, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही। पहला ये चीज़ा एक टाइम पर जो बच्चा छोटा होंदा या फिर लाइक उन्हें हले तक इन चीज़ा नहीं समझिया होंदिया, उदों तक हर बंदे नूं ये चीज़ों का नहीं पता होंदा, लेकिन लाइफ का एक टाइम आता है जो थोनू लगता है कि हाँ ये चीज़ सच्ची हैगी। मैं इदा लगता कि जो तक तुसी मतलब रब ना जिन्हों भी तुसी मानते हो उन्होंने प्रॉपरली दिलों नहीं जोड़ते, विश्वास नहीं करते उन्होंने बाबा जी ते, और सैकेंड चीज़ अगर तुसी अपने पेरेंट्स की रिस्पैक्ट नहीं करते दिलों, उन्होंने प्यार करना। आप कई बार की करते हैं भी आप अपने घरदान इन्ना अटैच नहीं होंगे जिन्ना आप बहर के लोगों हो जाने फ्रेंड्स या कुछ भी, राइट। तो वो चीज़ बहुत गलत आ, थोनू सब तो पहला अपनी फैमिली नाल अटैचमेंट प्यार रखना चाहिए, केयर, उस तो बाद किसी ना, क्योंकि फैमिली तो उत्ते कुछ नहीं आ, ठीक है। तो आ दो चीज़ा मैं अपनी जिंदगी सीखिया ने हूँ तक, सो आई होप थोनू भी ये गल समझ आ जूगी और ये गल रियलिटी है। और हाँ 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 एक चीज़ एक पॉइंट रह गया कि ये ना सोचो कि तुसी आ दो चीज़ा कर रहे हो, बाबा जी ते विश्वास और बाबा जी ते लाइक बाबा जी ना जुड़ गए हो दिलों, ते सेकंड चीज़ कि पेरेंट्स की रिस्पैक्ट कर दो, उन्होंने प्यार कर दो, पर तुसी कुछ काम नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, लाइक जो तुसी करना चाहते हो वो वर्क नहीं कर रहे हो तो नहीं थोनू कुछ मिलना, ठीक है। थोनू वर्क भी करना पैना, काम भी करना पैना वो उत्ते जो भी तुसी करना चाहते हो वो थोनू काम करना पैना, फिर जाके तीन पॉइंट ने, फिर जाके तुसी अपनी लाइफ च इंप्रूवमेंट फील करूँगे डेफिनेटली, मैं पक्का कह सकती हूँ। सो आई होप थोड़ी ये वीडियो वधिया लगी है, अगर वधिया लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दियो, बाय बाय, टेक केयर। हाँ सॉरी 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 जिन्होंने मैं लिंक पा दूँगी डिस्क्रिप्शन।